हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए लर्निंग वीडियो में। मेरा नाम हितेश सिंधु और ये मेरा चैनल बंबई बुल। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर और ट्रेडिंग ऐप से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आपको मिलेगा इस चैनल पे। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर, काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ये सवाल अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या ये संभव है कि एक ही ऑर्डर में हम बाय कर लें, प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर लगा दें और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा दें। तो इसका जवाब मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जब भी हम कोई ऑर्डर बाय करते हैं उसके लिए एक जरूरी चीज़ है मार्जिन, पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉल बाय करते हैं, 200 रुपये की बैंक निफ्टी की आप कॉल बाय करते हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट 3,000 के आसपास, आपके मिनिमम 3,000 और उससे 200-300 थोड़ा ज़्यादा ऐसा आपके अकाउंट में होना चाहिए जिससे वो आप कॉल बाय कर सके। 3,000 के इसलिए दोस्तों, 200 मैंने बताया, 200 प्राइस चल रहा है और 1,500 का लॉट है, तो 3,000 रुपए का तो आपका ये कॉल ही हो गया, तो इतने रुपए तो आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब बात करेंगे स्टॉप लॉस की। अब मान लीजिए आपने कोई कॉल बाय कर ली, कोई पुट बाय कर लिया, तो स्टॉप लॉस आप उसमें लगा सकते हैं। मतलब कि 200 रुपए का आपने कॉल बाय किया तो 180 का आप उसमें स्टॉप लॉस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप उसको सेल करने जाएंगे तो आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक ऑर्डर आपने ऑलरेडी लगा रखा है, स्टॉप लॉस का ऑर्डर आपने लगा रखा है, तो अगर आप उसको सेल करने जाएंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और मार्जिन चाहिए होगा। थोड़ा सा कितना दोस्तों बता दूं, एटलीस्ट आपको 1,30,000, जी अराउंड 1,30,000 के अराउंड मार्जिन चाहिए होगा। एक लॉट की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि एक तरीके से अगर आप एक साथ स्टॉप लॉस ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगाएंगे तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डर हो जाएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डर का मतलब है आप सेल कर रहे हैं। अगर कॉल और पुट को अगर आप सेल करते हैं तो आपको पता ही है कितना मार्जिन आपको देना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को हटा देंगे, जो 180 का आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रखा है उसको अगर हटा देंगे, तो आप आराम से इसको सेल कर पाएंगे और टारगेट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो यह क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो जाता है कि एक बार में या तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। दोनों ऑर्डर अगर आपको एक साथ लगाने हैं तो मार्जिन आपके अकाउंट में एटलीस्ट 1,40,000-1,45,000 होना चाहिए। एक लॉट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अगर इतना मार्जिन आपके अकाउंट में होगा तकरीबन 1,40,000-1,45,000, तो एक साथ आप प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर माफ कीजिए प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों आप एक साथ लगा सकते हैं। ये चीज आपको आई होप के समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सवाल, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसकी सहायता से मैं एक साथ ये दोनों ऑर्डर लगा सकता हूं? तो मैं आपको बता दूं, वो उपाय है एंजल ब्रोकिंग में, एटलीस्ट वो उपाय है। अगर आप रोबो ऑर्डर अगर आप लगाएंगे तो एक साथ ही आप प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। मतलब ये है कि आपने 200 रुपये का कॉल खरीदने के लिए डाला, 200 रुपये पे वो एग्जीक्यूट हो गया, तो एक ही साथ में आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लग जाएगा और प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर भी लग जाएगा। और अच्छी बात यह है दोस्तों, इसमें मार्जिन आपको सिर्फ 3,000 ही चाहिए। जो मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया था कि 200 रुपये की आप कॉल खरीद रहे हैं या पुट खरीद रहे हैं, तो 3,000 के आसपास ही इसके अंदर आपको मार्जिन चाहिए, इसके अंदर आपको 1.5 लाख मार्जिन नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आप दूसरे तरीके से लगाएंगे तो आपको 1.5 लाख के अराउंड, 1,40,000-1,45,000 के अराउंड आपको मार्जिन चाहिए। अब रोबो ऑर्डर में अच्छी बात यह है दोस्तों कि जैसे ही मान लीजिए 200 का आपने कॉल बाय किया, 240 का प्रॉफिट ऑर्डर लगा दिया और 180 का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया, तो जो प्रॉफिट ऑर्डर है या स्टॉप लॉस ऑर्डर, जिसमें से दोनों में से अगर कोई भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, मान लीजिए 240 पे आपका कॉल या पुट चला गया, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट वहां पे बुक हो जाएगा 40 पॉइंट का और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा, उसको मैन्युअली आपको हटाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसी तरीके से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है नीचे, 200 का आपने बाय किया, 180 पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, उसको भी आपको हटाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो ये खासियत है रोबो ऑर्डर की। अगर आपने अभी तक नहीं देखा रोबो ऑर्डर क्या है, कैसे काम करता है, तो बहुत डिटेल में मैंने उसका वीडियो बताया है,
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। दोनों में एक असमानता और है दोस्तों, अगर आप 140,000 के साथ अलग अलग जाके ऑर्डर लगाएंगे, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर, तो अगर मान लीजिए आपका एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, यानी स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर आपको मैनुअली हटाना पड़ेगा, मतलब सिस्टम में जाके, फोन में जाके, लैपटॉप में जाके खुद से उसको हटाना पड़ेगा। अगर उसको नहीं हटाएंगे तो वो लगा ही रह जाएगा और हो सकता है वहां पे मार्केट जाए और वहां पे आपको लॉस बुक हो जाए। समझे दोस्तों डिफरेंस क्या है? 140,000 रुपए दे के दो ऑर्डर लगाएंगे, मैनुअली आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लेकिन रोबो ऑर्डर में ऑटोमेटिकली दोनों लग जाएंगे। अब दिक्कतें क्या आती हैं दोस्तों? दिक्कतें रोबो ऑर्डर में भी काफी हैं, जो मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया और मेरे पास जो फीडबैक आया है कि रोबो ऑर्डर में एक से ज्यादा या दो से ज्यादा अगर आप बाय सेल करते हैं तो मल्टीपल ऑर्डर्स लग जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। दूसरा बड़ा सवाल मुझसे अक्सर जो पूछा जाता है वो ये कि एक शेयर का प्राइस चल रहा है 200 रुपए पे, या कॉल पुट का प्राइस चल रहा है 200 रुपए पे, अगर मुझे उसको 220 रुपए पे खरीदना है तो क्या मैं खरीद सकता हूँ रोबो ऑर्डर में? जी नहीं दोस्तों, रोबो ऑर्डर में आप सिर्फ और सिर्फ करंट प्राइस पे ही खरीद सकते हैं। अगर आपको ऊपर के प्राइस पे खरीदना है तो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब के 200 रुपए पे चल रहा है तो आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नीचे स्मार्ट ऑर्डर में से स्टॉप लॉस ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद वहां पे 219 और 220 की वैल्यू डाल देनी है। इस तरीके से आप ऊपर के प्राइस पे बाय कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो करंट प्राइस पे ही बाय हो जाएगा, जो भी मार्केट प्राइस वहां पे चल रहा है वहीं पे बाय हो जाएगा। तो काफी सारे लोग इससे भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए, मार्केट प्राइस पे ही बाय हो जाएगा अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाएंगे। ऊपर के प्राइस पे बाय करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ेगा। नीचे के प्राइस पे सेल करना है, 200 रुपए का कोई शेयर चल रहा है, 180 पे उसको सेल करना है, आपको लगता है कि 180 पे आएगा तो और नीचे गिरेगा। अब लोग ये भी पूछते हैं कि मैं नीचे के प्राइस पे क्यों सेल करूं, अगर मुझे सेल करना है तो मैं 200 पे ही कर दूंगा। इसी तरीके से अगर मुझे बाय करना है तो मैं 200 पे ही बाय कर लूंगा, 220 पे क्यों बाय करूं? तो उसका जवाब ये है दोस्तों कि डेटा होता है, चार्ट होता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये शेयर अगर 220 से ऊपर चला गया तो वहां से 240 भी आसानी से चला जाएगा, इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि जब ब्रेकआउट आ जाए उसमें 220 पे वहां पे बाय करूं। इसी तरीके से काफी लोगों को लगता है अगर 180 का लेवल तोड़ दिया इसने तो एक बड़ी सपोर्ट है, सपोर्ट को तोड़ देगा तो 15-20 रुपए और नीचे जाएगा, इसलिए लोग नीचे सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जवाब हुआ आपके दूसरे सवाल का कि ऊपर कैसे बाय करें और नीचे कैसे बाय करें। इस तरीके से नहीं करेंगे तो लिमिट पे ही आपका ये बाय हो जाएगा और मार्जिन इसके अंदर ज्यादा नहीं चाहिए, मार्जिन आपको नॉर्मल ही चाहिए। 200 रुपए का कॉल या पुट बाय कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर तकरीबन, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, 3,000 के आसपास ही इसके अंदर मार्जिन आपके पास होना चाहिए। आई होप दोस्तों अब आप लोगों को अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको यूज करना है रोबो ऑर्डर का, कैसे आप एक साथ प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चंस हैं आपके तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव मैं आता हूं जनरली संडे के दिन दोपहर के आसपास, उसके बीच में भी कभी चांस मिलता है तो मैं लाइव आ जाता हूं। उसके अलावा व्हाट्सएप है दोस्तों, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, किसी भी जरिए से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कहीं भी जाके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलेंगे दोस्तों मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।